खतरनाक गिर रहे हैं ब्रो, माय गॉड। मेरा मिजाज कितना बहाल है, अपना गौर करिए। अब्बा संगार लगा हुआ, पहले इफ्तारी की तैयारी। व्हाट डिड यू गेट? फाइनली खाना आ गया गाइस। गाइस मैं शूट पे हूँ और मैं जमाने के बाद शूट पे व्लॉग ले रही हूँ, बिकॉज मैं पहली बार लाइफ में ओले देख रही हूँ। ओले पड़ रहे, लिटरली पड़ रहे, बिकॉज अबरार भाई को अब भी मार पड़ी है। खतरनाक गिर रहे हैं ब्रो, माय गॉड। के बैग ओले आ रहे हैं, बोल रहे हैं। मैं मेरी वाइफ से बात कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ खतरनाक ओले आ रहे हैं। अजीत सिंह मेरे पास आधे घंटे से चल रहे हैं। ये देखो देखो, ये पूरी बर्फ यहाँ तक पड़ रही भाई। पप्पा सबसे ज्यादा एक्साइटेड है। आपको अच्छा दिख रहा? ओ माँ, इतने बड़े बड़े गिर रहे हैं अब। सोहेल तुम इससे पहले देखे लाइफ में, फर्स्ट टाइम है। देखो हालत ऐसा दिख रहा, लिटरली फ्रिज में बर्फ जमती नहीं, वो साइज के गिर रहे हैं भाई। हाँ अब ओवर हो गया, अब टू मच गिर रहे हैं। हाँ अरे चैन नहीं है इंसान को, चैन नहीं है, बिल्कुल चैन नहीं है। शुरू कर, शुरू कर, चले जाएं। 1 2 3 स्टार्ट विद योर रेंट। यू कैन टर्न ऑन द फ्लैश एंड देन आई विल स्टार्ट। तो जल्दी शुरू करो रेंट, दो मिनट से खामोश है तो। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिंदगी में हर चीज के लिए, कि मैं मिली तेरे को जिंदगी में। कितना मेरा मिजाज कितना बहाल है, अपना गौर करिए। तू झूठी, मैं मक्कार का प्लान कैसे बन रहा है सडनली? बिकॉज अब्बास वांट्स टू गो। अब्बास इतनी भी अच्छी? मैं रणबीर की मूवी मैं दो बार नहीं देख रही हूँ। Went to without me. I went without you because you were with another friend. Okay. This is a lie. Lola Madawat में तुम थे, तुम थे witness. उन्हें इस बोला मेरे को. अब्बा संगार लगा हुआ. It's true. Learned from the best. Oh. खैर मैं नहीं आ सकती, मूवियों को तो नहीं आ सकती मैं। सुबह के 9 बजे यहाँ से दिख रहा, अच्छा एंगल आ रहा है यहाँ से। Guys मैं आज cute outfit में हूँ. I don't even know why. घर को वापस आ गई गाइस, मैं बहुत छोटी सी ट्रिप मारे हम लोग, एनसीआर चले जा रही इन अ वीक, तो अगर थोड़ा भी टाइम मिल रहा मेरे को तो मैं जाके मिल ले रही हूँ उससे। ऐसा सडन सैड दिखा, 1 वीक है बोले तो। बट एनीवेज हम ना डीएलएफ चले गए थे महाराजा चाट से निकल के, अब मैं घर आ गई। सुबह शूट है मेरे को 9 बजे, रमजान में वीडियोज आने वाले हैं, ये टाइम फर्स्ट टाइम 3 वीडियोज आएंगे। कल और परसों शूट है उसके लिए, क्योंकि परसों से रमजान शुरू है। आप सबको रमजान बहुत बहुत मुबारक। मेरे में अभी एनर्जी नहीं है बिकॉज आज फर्स्ट रमजान है, पहला रोजा है। यूज टू होने में थोड़ा टाइम लगता है गाइस। अभी पीछे मेरे मियाँ ऐसे पहली इफ्तारी की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने ऐसे भजिए भजिए बनाएंगे। आज मेरा काम था, मैं पूरा घर साफ करी तो उन्हें खाना बना रहे। अभी बचे हुए हैं 10 मिनट इफ्तारी होने, ऑलमोस्ट शाम हो गई। रमजान का अलग ही एक्साइटमेंट रहता। सोच रहे सहरी को कहीं जाएंगे, देखेंगे वेयर where today takes us. Babe, how's it going? Going slow. बेचारे हम दोनों, उन्होंने भी रोजा है, मैं भी रोजा हूँ। आज ही चलो सब काम कर करके हम लोग हालत थका लिए, बट इट्स जस्ट द फर्स्ट रोजा इसलिए ऐसा दिख रहा है। आई थिंक आदत हो जाती है। Babe, क्या है मेन्यू में, क्या बना रहे हैं आप? चिकन पकौड़ा, आलू की भजी, वाटरमेलन जूस। प्याज की भजी भी होना मेरे को प्लीज। कर लेना ऐसे डिमांड ना थोड़े बहुत। एरिया है देखो डीएलएफ, यहाँ पे कोई नहीं सोता वैसा दिखता मेरे को। वरलक्ष्मी बंद है। नो मैं तुम्हारे बोल ही जल्दी आएंगे बोल के। अरे जल्दी आए ना जी, तुम मेरे को वरलक्ष्मी के होप्स दिला के लाए, एंड नाउ वरलक्ष्मी इज क्लोज। इसका बंडी खुला ना कहीं। क्या बंडी? डोसा बंडी। अरे मेरे को वरलक्ष्मी का डोसा खाना था, वो भूंडे इडली घी कारम इडली वरलक्ष्मी की अगर नहीं खाए है गाइज, I don't even know video आ रहा है या नहीं, cause अंधेरा है यहाँ पे। आ रहे थे guys, but
बहुत ही डार्क था पे जो लाइट पड़ रही है गाइस सब लोग देख देख के जा रहे हैं कि क्या हो रहा है बोल के यस आई एम अ व्लॉगर प्लीज सब्सक्राइब टू द अनटेम्ड व्लॉग्स थैंक्स नोबडी इज लिसनिंग टू मी एना मत उतारो प्लीज मैं उतारता हूं ना फिर बोलो नहीं 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 जो जिस कॉन्फिडेंस से तुम चीखे हैं तुम बोलो बोलो मैं आना नीचे मास्क है क्या Anyways guys, अब देखेंगे क्या है किस्मत में इफ्तार तो हो नहीं सका ये इंसान की वजह से क्योंकि इन्होंने मीटिंग में थे और फ्रॉम होम क्या है आजाब हो गई जिंदगी जबरदस्त चिकन खाया तुम हाँ इन्होंने बनाए थे गाइस पूरा इफ्तार मैं थोड़ा हेल्प करी लाइक आई कट द आलू एंड द प्याज नहीं काटी इन्होंने काटी खाली आलू काटी गाइस मैं आलू छीले तुम छीली ओ या नो आई कट इट ऑल्सो हाँ तो वो हाँ, दो चीज कर रहा था दो चीजें कर रहे तुम एलाबोरेट करो डोंट अंडरएस्टिमेट दैट एज अ वर्क यस अंडरएस्टिमेट मत करो अपने आप को बकवे बकवे में इन्होंने निकल के चले गए मैं बोली भी नहीं कि मेरे को क्या होना सो गाइस न्यू क्वालिटी रोल द रियल टेस्ट ऑफ कोलकाता से अब हम लेंगे रोल्स दिल तो देखो बहुत था डोसा खाने का वो बटर घी डोसा खाने का बहुत दिल था ऑनेस्टली मेरे आंखों से दिख रहा होगा मैं आखिरी नींद में हूँ लाइक बहुत ज्यादा नींद में हूँ बट मेरे को मालूम है अगर अब सो गई तो फिर मैं सैरी को नहीं उठती और बिन सैरी का रोजा मैं तो नहीं रह सकती भाई आज ऐसो अच्छा खासा गया रोजा इट वॉज रियली नाइस एंड स्मूथ एक्चुअली मेरे को बीच में आदत हो गई थी ये जो आंगन चल रहा था तैयारियां जब रहते तो दिन में खाना खाने का टाइम ही नहीं मिलता मतलब मैं जब टेंशन में रहती हूँ मेरे को खाया नहीं जाता खाना आई ऑलवेज स्ट्रेस आउट एंड मैं दिन में खाना खाती हूँ ही नहीं अनलेस एंड अंटिल मेरे को ऐसा दिखता कि अब मैं चक्कर खा के गिर जाऊंगी जब मैं जाके खाना खाती हूँ विच इज लाइक 7 or 8 इन द नाइट सो या आई थिंक मेरे को आदत हो गई थी उसकी वजह से तो मेरा आज उतना खतरनाक नहीं गया ऑल्सो बिकॉज हम लोग बिजी थे पूरा दिन लाइक AK वॉज वर्किंग एंड मैं घर सेंतने में लग गई थी अब भूख लग रही भूख अब बहुत ज्यादा आई होप ही गेट समथिंग नाइस व्हाट डिड यू गेट ओके सो आई हैव मटन विद चीज एंड एग एंड आई हैव डबल चिकन शेजवान विद चीज एंड एग व्हिच वन डू यू वांट ओह माय गॉड व्हिच वन डू यू वांट आई थिंक द खतरनाक लाए हैं डबल सब लो ये चिकन आई लाइक ओके आई विल हैव वी विल शेयर बेब हम लोग हमेशा दो अलग अलग चीजें मंगा के आधा आधा शेयर करते हैं आई एम थिंकिंग आई विल मेक दिस अ सीरीज कि एवरी डे आई रिव्यू कहीं की हलीम मेरे को सामने यहाँ दिख रहा चार मीनार हलीम हाउस चिकन एंड मटन हलीम तो आई वांट टू ट्राई यहाँ की आफ्टर दिस खाली एक ट्रायल टाइप इंस्टाग्राम पे करूंगी गाइज मैं ये सीरीज तो जरूर मुझे फॉलो करें एवरी डे आई एम गोना पोस्ट एक एक जगह की हलीम आई एम नॉट अ फूड ब्लॉगर ऑब्वियसली अपना भी ओपिनियन रह सकता है अगर खा रहे हैं तो हम भी बोल सकते हैं कि 3 out of 5 4 out of 5 मैं भी दूंगी स्टार सब ना इट्स रियली नाइस गाइस टोटली रेकमेंड प्लीज कम हियर एंड ईट द रोल्स इट्स रियली नाइस गाइस इनका रोल ज्यादा बेटर था तो अब वो मेरा रोल हो चुका है मटन वन वाज मच बेटर थैंक्स बेब उन्होंने ऐसा बोल रहे वापस नहीं दे रहे क्या मेरे को रोल बोल के क्या होने का जा रहा नहीं दिस इज माइन नाउ तो गाइस हम लोग आए यहाँ पे क्या है ये अरेबियन कॉर्नर को आए बड़े मुश्किलात से गुजरते हुए पहले हम लोग फॉर सम रीजन डाइनल चले गए थे डाइनल पे एक हुजूम था लोगों का एंड ओनली मेंस थे मेंस सिर्फ मेंस थे गाइस तो हम लोग बड़ा ही शर्मिंदगी से पतली गली पकड़ के निकल के एक कोने कुचरे में आके बैठना चाह रहे थे बट ये भी कुछ ऐसा सेक्लूडेड नहीं है यहाँ पे भी मेंस है बट वुमेन्स भी है यहाँ पे ज्यादा क्राउड नहीं है यहाँ पे आते कि हम लोगों को खाना भी मिल जा रहा है लेकिन जैनब यहाँ पे गाइस यहाँ पे ऊपर आने का रास्ता बड़ा दर्दनाक था ऐसी कोई बात नहीं है इसके ऊपर लिखा हुआ था फर्स्ट फ्लोर स्टॉप वी डोंट नो व्हाट दैट मीन्ट नॉट वर्किंग डिड इट मीन दैट फर्स्ट फ्लोर की लिफ्ट इज नॉट वर्किंग आर वी सपोज टू स्टॉप एट द फर्स्ट फ्लोर व्हाट वर वी सपोज टू डू वो तुम सॉल्व कर लेना है पजल बट हमारा समय पहुंच गए और अब फाइनली खाना मंगाए एक्चुअली काजम भी है यहाँ पे अगर उन्हें आया वहाँ पे कहीं है उस पर्दे के पीछे काजम इज देयर विद हिज फैमिली तो काजम हम लोगों के लिए ऑर्डर करके चले गया देखो आगे आगे सर काजम ये तुम्हारा बेबी है नहीं भैया का बेबी है क्या मतलब अरे तो उसमें कैसा बोलूं मैं बेबी गर्ल है तुम्हारी बेबी तुम्हारी है क्या पूछो अच्छा अच्छा हाँ इन्हों यहाँ के रेगुलर हैं कहते भाई
तो इन्होंने हमारे लिए ऑर्डर दे दिए। बोलना चाहेंगे आप सालों के बाद ब्लॉग में आए मेरे? खाना देखो फिर बोलो, टेस्ट करो। आई थिंक तकरीबन लोग जो रात में घूमते लोगों को मालूम है ये जगह। बाद में बोलूंगी खाए बात की अच्छा था यार। फाइनली खाना आ गया गाइस। टाइम क्या हो रहा है? मच्छर तो आए हुए जब से। टाइम इज 4:30। हम लोग को आखिरी मच्छर काट रहे थे तो हम लोग बोले कि कुछ ऑयल वॉयल लगाओ लाते हैं, तो उन्होंने हमारे को एक उद्यान दिए जो हमारा रखा हुआ है मच्छरों का, तो नहीं मालूम बट हम मरने वाले थे। नली बड़ा अच्छा मटन है। ओह माय गॉड गाइस अमेजिंग है ये थाली। लाइक द फूड इज सो गुड, कोई बात ही नहीं कर रहा अभी। प्रॉन्स है इसमें, चिकन फिश मटन सब है, लाइक रियली गुड। सिर्फ खा रही हूँ मैं। सो गाइज ये व्लॉग की एंडिंग लेना मैं भूल गई थी, एकदम अब्रप्टली एंड हो जा रहा था, तो दिस इज द एंडिंग ऑफ द व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अभी मेरे को दम नहीं है बात करने का। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।